भगवान व्यास देव जी का प्रसंग, वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं सब विद्याएं सब कलाओं में निपुण है, तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो आप, आपके शरीर में जैसे प्रियता, ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो, आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव, इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है, आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा, वो बचना चाहता है, आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग, वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं सब विद्याएं सब कलाओं में निपुण है, तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम।